Hello, good morning everyone. I hope you all are fine at your home. In our last video, we discussed about passive voice और हमने सीखा था affirmative sentence का passive voice कैसे बनाते हैं. अब हम आज के वीडियो में देखेंगे negative sentence का passive voice कैसे बनाते हैं. और affirmative sentence को मैं एक बार repeat करता हूँ. affirmative sentence का format क्या था? पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एच वी, उसके बाद में या तो बी या बीन या बींग. मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा है, समझ में आ गया होगा. क्यों? क्योंकि ये कई बार सेंटेंस में आएंगे, कई बार नहीं आएंगे. उसके बाद में थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? थर्ड फॉर्म. उसके बाद में क्या आता है? बाय. उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट. अब अपन चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ. निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है? देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एच वी एच वी, नॉट क्या ऊपर नॉट है? नहीं है. इट मीन्स अफर्मेटिव और निगेटिव में एक ही डिफरेंस होता है कि निगेटिव में नॉट आता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता. और आगे देखिएगा, बी बी, बीन और बीन, बींग और बींग, थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट फुल स्टॉप, सेम है, बस एक ही डिफरेंस है नॉट. तो शायद ये आपके लिए इजी होगा. अगर कल वाला समझ में आ गया हो तो आज वाला भी आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि अपन फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट कॉल यू. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ है. मैंने ऑब्जेक्ट लिख रखा है. अब आपको पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ. अपन गए मेन वर्ब के पास. ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? मेन वर्ब के पास जाइए. मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कॉल. कॉल यानी बुलाना, पुकारना. किसे बुलाया? यू. तो यू क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट. तो ये यू क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. यहाँ आने के बाद क्या बन गया? सब्जेक्ट. क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों क्या होते हैं? सेम रहते हैं. फिर यू के साथ में क्या आएगा? वर. यू के साथ में क्या आएगा? वर. क्यों? यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिड. अपन क्या करते हैं, सेकंड प्लेस में हमें रिक्वायरमेंट होती है एच वी की. यहाँ पे एच वी क्या है? डिड. डिड को चेंज किस में करते हैं? वॉज और वर में. या तो वो जाएगा या वर आएगा. लेकिन यू के साथ क्या आएगा? वर. क्योंकि वर आता है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ, और वो जाता है सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ. ओके, फिर आ गया वर. फिर हमें क्या देखना है? नॉट. तो ऊपर वाले में नॉट था तो हमने भी क्या लिख दिया? नॉट. ओके, तो निगेटिव में क्या आता है? नॉट आता है. तो यू वर नॉट आ गया. फिर आगे देखते हैं कुछ ये सब ऐड करने वाली कंडीशन है या नहीं है. डिड को बेसिकली चेंज करते हैं अपन वॉज या वर में. ऐड करने वाला वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट. उसके बाद में अपन ने कुछ ऐड नहीं किया. फिर क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड. ओके, उसके बाद में क्या आ जाएगा? बाय. अब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी. लास्ट वीडियो में अपने लर्न किया था आई का मी, यू का यू, वी का अस, ये सब. ओके, आगे चलते हैं. सेकंड एग्जांपल है, सी डज नॉट लाइक ब्लैक कॉफ़ी. सी डज नॉट लाइक ब्लैक कॉफ़ी. अब यहाँ पे अपन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब क्या है? लाइक. लाइक का मीन्स क्या हो गया? पसंद करना. क्या पसंद करते हैं, किसे पसंद करते हैं? तो यहाँ पे आंसर मिला हमें ब्लैक कॉफ़ी. क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, याद होगा आपको, व्हाट या होम से. अगर इन दोनों वर्ड में से किसी एक का भी आंसर हमें कोई वर्ड देता है, वही क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लैक कॉफ़ी. आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि साथ में है ब्लैक कॉफ़ी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ गया? ब्लैक कॉफ़ी. और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हो, देखो यहाँ पे बी क्या था? स्मॉल लेटर था. लेकिन यहाँ पे बी क्या हो गया? कैपिटल लेटर. बिकॉज सेंटेंस का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल. ओके, ब्लैक कॉफ़ी. अब अपन सेकंड प्लेस पे क्या लिखते हैं? एच वी. यहाँ पे एच वी क्या है? डच.
ओके, एच वी आपको याद होगी, जो अपन ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो वर्ब्स चेंज लिखे थे, एक्टिव वॉइस के जो नीचे वाले थे सारे के सारे क्या थे, एच वी थी। तो यहाँ पे डज को चेंज किस में करते हैं अपन, इज, एम या आर में, तीनों में से कोई भी एक एच वी आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ में क्या लिखूँ, ब्लैक कॉफ़ी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर है, तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ में क्या आ जाएगा, इज। ओके, ये आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएं तो उनका नंबर प्लूरल है या सिंगुलर है वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका एक मिस्टेक पूरा सेंटेंस गलत करवा देगा। सपोज करो आपने ब्लैक कॉफी को प्लूरल मान लिया और आपने इज की जगह पे क्या लिख दिया, आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इज, एम या आर में से क्या आएगा, तो ब्लैक कॉफी के साथ में क्या आएगा, इज, इज लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, नॉट। बस आप फॉर्मेट को देखते जाए आपका आंसर आता जाएगा, मिस नहीं करना है कुछ भी। ओके, ब्लैक कॉफी इज नॉट, उसके बाद में ये ऐड करने वाली कंडीशन नहीं है। उसके बाद में क्या बच गया अपने पास, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। ओके, क्या बन जाएगा, लाइक्ड। आप ध्यान रखिएगा इसको आप क्या बोलोगे, टे, ऐसा नहीं है कि लास्ट में डी आ रहा है तो वो डे बन जाएगा। ओके, डे नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बाकी में डे हो सकता है, इसमें क्या होगा, टे। अब देखते हैं कि ये रीजन क्या है, मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो टे और डे का लोचा क्या है, क्यों ये डे को अपन डे ही बोलते थे, ये टे क्यों हुआ है, कैसे बोलते हैं, क्या रीजन है। ओके, बाद में देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा, लैग लिखा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लिख दी, बाई लिखा, बाई लिख दिया, उसके बाद में सी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर। तो अपना आंसर क्या हुआ, ब्लैक कॉफी इज नॉट लैग्ड बाई हर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मनीष विल नॉट जॉइन दिस पार्टी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जॉइन, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पता किया तो ऑब्जेक्ट क्या सामने आया, दिस पार्टी, जॉइन, जॉइन का मतलब क्या हो गया, शामिल होना, क्या जॉइन नहीं करेगा, किसे जॉइन नहीं करेगा, दिस पार्टी, इस पार्टी को, तो अपना ऑब्जेक्ट क्या बन गया, दिस पार्टी, यहाँ आने के बाद क्या बन गया, वो सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है फिर, विल, क्योंकि अपने सेकंड प्लेस पे क्या आना चाहिए, एच वी, तो एच वी क्या है, विल। अब आप सोचोगे सर विल तो एक मॉडल है, भाई जो मॉडल्स हैं वो सब के सब एच वी भी हैं, तो यहाँ पे जो विल है वो एक मॉडल है, और विल को अपन क्या लिख देंगे, विल, क्योंकि अपने देखा था मॉडल आने पर अपन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी, तो विल आ गया। विल के बाद अपन क्या लिख देंगे, नॉट, उसके बाद में विल के साथ अपन क्या ऐड करते हैं, बी, इन तीनों में से क्या कौन सा आएगा, बी, क्योंकि मॉडल, मॉडल के साथ में क्या आता है, बी, विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, जॉइंड, जे ओ आई एन ई डी, इसमें डे बोला जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बाय, फिर मनीष का क्या हो जाएगा, मनीष, नेम विल नॉट चेंज, नाम नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, माई ब्रदर कैन नॉट ड्राइव द कार। ओके, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अच्छा मेन वर्ब क्या है, ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, तो क्या हो गया यहाँ पे आगे, क्या चला रहे हैं, द कार, तो द कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पता चला, सब्जेक्ट बना दिया, द कार। सेकेंड प्लेस पे क्या आता है, एच वी, एच वी यहाँ पे क्या है, कैन, और आपको पता चल जाएगा नॉट से पहले वाला हमेशा क्या होता है, एच वी। जब भी आपके दिमाग में डाउट हो कि ये एच वी कौन सा है, पता नहीं चल रहा, तो आप समझ जाइएगा नॉट से पहले वाला क्या होता है, एच वी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन, ऐसा कैसा, फिर साथ में क्या लिख देंगे अपन, नॉट। अब मॉडल के साथ में क्या ऐड होता है, बी, द कार कैन नॉट बी। अब थर्ड फॉर्म ड्राइव की क्या होती है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे, मैं इधर लिख रहा हूँ ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइव वन। ओके, ऐसा नहीं है कि जो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी हो, सेकंड फॉर्म लिखनी हो, नहीं आए तो ईडी लगा दे। बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ईडी लगा देते हैं कि भाई ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं, सब में नहीं होता। तो अब याद रखें,
द कार कैन नॉट बी ड्राइवन. अब क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय. अब यहाँ पे जो था वो वहाँ जाएगा, सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब वो क्या बन जाएगा, माय ब्रदर. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि माय यहाँ आएगा तो कुछ चेंज होगा, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि चेंज कौन सा होता है, आई का मी और मी का आई, ऐसे चेंज होता है, ना कि माई का चेंज होता है. माई एज इट इज रहेगा. ओके, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है, ही इज नॉट प्लेइंग लूडो. ही इज नॉट प्लेइंग लूडो. तो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट देखा, लूडो, लूडो आ गया. कैसे पता चला, देखते हैं. प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, क्या खेल रहे हैं, लूडो. लूडो इज नॉट, एच वी के बाद क्या आएगा, नॉट. अब देखते हैं कुछ ऐड होने वाली कंडीशन है क्या. भाई ऑलरेडी इज एम आर होता है तो क्या ऐड करते हैं अपन, बीइंग. और कैसे पता चला हमें, एक हिंट और है, क्योंकि यहाँ पे आई एन जी फॉर्म है तो क्या बन गया, क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग. उसके बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म. प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड. अब क्या आ जाएगा, बाय. और ही का क्या बन जाएगा, हिम. ओके, ही का क्या बन जाएगा, हिम. तो ये थे अपने 5 एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंस. अपना अगला पॉइंट है कि ये लाइक्ड और लाइक्ड का कैसे पता चलता है. क्या करते हैं, जब भी अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में अपन सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते इस टाइम पे ई डी या डी लगाते हैं, ओके, और जो मेन स्पेलिंग है जैसे कि लाइक, लाइक का लास्ट वर्ड क्या है, सॉरी लास्ट लेटर क्या है, कै. ओके, जब आप हिंदी प्रोनंसिएशन करोगे उस स्पेलिंग का तब उसमें क्या आ जाएगा, कै. तो जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में कै से पे चे, कै से पे चे, अगर ये प्रोनंसिएशन आता है तो आप समझ जाइएगा कि जब उसमें ईडी ऐड करेंगे सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाते टाइम पे तब वो क्या बन जाएगा, टे, और बाकी सारे क्या रहेंगे, डे वाले. ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में. अगर देखो एक नया पॉइंट है जो पैसिव वॉइस में कई बार क्या करते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात आती है. क्या आती है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. ये क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको पैसिव वॉइस में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर उनको आप छोड़ भी देते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा. अब देखो वो होते कौन कौन से हैं, जैसे कि पीपल, All people, someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody. कई बार वी या दे को भी अनइम्पोर्टेंट माना जाता है. मैं लगाता हूँ एट्सेट्रा. देखते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. नॉर्मली पीपल, ऑल पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, वी, दे, एट्सेट्रा. कई बार क्या करते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में अपन डॉक्टर, टीचर, मैकेनिक, ऐसे कुछ प्रोफेशन होते हैं उनको भी ऐड करते हैं जो हमें पता है. अब अगर अपन बात करें कार की रिपेयरिंग की गई किसके द्वारा, सबको पता है मैकेनिक ही करेगा. आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कौन करता है, डॉक्टर, तो वो सबको पता है. तो जो ऑलरेडी नॉन सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स मान लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल से और समझिएगा आप. जैसे कि मैंने लिखा Someone,
knocked the door. Someone knocked the door. अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फॉर्मेट अपना वही रहने वाला है क्या, कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट. नॉक मेन वर्ब है, नॉक किया, किसे नॉक किया, द डोर, डोर को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द डोर. यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट. सेकंड प्लेस पे क्या आता है, एच वी. यहाँ पे एच वी दिख रहा है, नहीं है. डू, डज, इज, एम, आर, डिड, वॉज, वर, हैज, हैव, कोई भी एच वी नहीं है. तो कल आपको मैंने बताया था, जब भी सेंटेंस में एच वी नहीं हो तो क्या होता है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म होता तो ये तो या तो होता नॉक या इसमें लगा होता एस. ये नॉक्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं अपन वॉज या वर्ब में. अब वॉज क्यों लिखा, डोर क्या है, सिंगुलर, द डोर वॉच. अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट ऊपर है क्या, नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आएगा. एड होने वाली कंडीशन है, नहीं है. उसके बाद में क्या बच गया, थर्ड फॉर्म, नॉट बाय. अब देखते हैं बाय लिखना या नहीं लिखना. यहाँ पे क्या है, समवन, हमें नहीं पता, अननोन है. समवन कौन, अननोन, तो उसमें क्या होगा, उससे हम क्या मानते हैं, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से मानते हैं. तो यहाँ पे बाई नहीं आएगा, आपने लगाया फुल स्टॉप, आपका आंसर क्या है, कंप्लीट, द डोर वॉज नॉक्ड. अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन. एवरीवन स्पीक्स हिंदी इन इंडिया. एवरीवन स्पीक्स हिंदी इन इंडिया. भारत में हर कोई हिंदी बोलता है. हर कोई का मतलब क्या हो गया, सब हिंदी बोलते हैं. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि जब जो वे लास्ट देखो, सब जो लास्ट में आ रहे हैं ना वही ऑब्जेक्ट हैं. नो, हमें वर्ब के पास जाना है. वर्ब क्या है, स्पीक, बोलना. क्या बोल रहे हैं भाई, इंडिया बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी. ओके, तो हिंदी क्या आ गया अपना, ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट. अब हमें क्या चाहिए सेकंड प्लेस पे, एच वी. एच वी यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे आते हैं अपन मेन वर्ब. एच वी ना हो तो या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है. ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, एस. अगर वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ हो तो आप समझ जाना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. तो हिंदी के साथ में क्या आ जाएगा, इज. हिंदी एक लैंग्वेज है, सिंगुलर है, तो हिंदी के साथ में क्या आ जाएगा, इज. फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, इज, एम, आर में, तो हिंदी के साथ में क्या आ गया, इज. उसके बाद में नॉट है, नहीं है, कुछ ऐड करना है, नहीं करना. थर्ड फॉर्म वर्ब की स्पोकन, तो अपना क्या बन गया, हिंदी इज स्पोकन. उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन, बाय. स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक. थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन. तो अब आगे क्या बढ़ना है, हमें बाई लिखना है. अब बाई यहाँ पे लिखूँ या नहीं लिखूँ, चेक कर लेते हैं. एवरीवन देख लो, एवरीवन इसी में ही है, ये रहा. तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में क्या आता है, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, तो हमें ये यहाँ पे नहीं लिखना. तो अब देखो ये हो गया, ये लिखना नहीं था, ये अपने लिख ही दिया, ये लिख ही दिया. अब क्या बच रहा है, इन इंडिया. तो क्या है, देखो, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया. ओके, अगला देखते हैं. जैसे कि मान लो अपन इनकी तो बात कर चुके हैं, इनकी बात करते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ए मैकेनिक रिपेयर्ड माय कार. ए मैकेनिक रिपेयर्ड माय कार. ओके, अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माय कार. कैसे पता चला, रिपेयर किया, किसे रिपेयर किया, माय कार को. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माय कार. ओके, अब सेकंड प्लेस पे क्या आता है, एच वी. एच वी यहाँ पे कुछ है नहीं, नहीं है. वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, वॉज या वर्ब में. तो माय कार के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज. कार क्या है, सिंगुलर, तो क्या आ रहा है, वॉज. माय कार वॉच हो गया. नोट है, नहीं है, नहीं लिखना. ऐड करने वाली कंडीशन है, नहीं है, तो नहीं लिखना.
थर्ड फॉर्म पे जाते हैं, थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए मैकेनिक, तो ये अनइम्पोर्टेंट हो गया। सबको पता है कार की रिपेयरिंग कौन करता है, मैकेनिक, तो मैकेनिक यहाँ पे क्या हो गया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको आगे नहीं लिखूंगा। तो ये अपन ने बात की है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की, ओके। तो आज अपन ने वीडियो में क्या बातें की, क्या डिस्कस किया, अपन ने डिस्कस किया नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आए तो पैसिव कैसे बनता है, क्या आंसर, कैसे आंसर लिखते हैं। और अब इसके बाद जो टॉपिक है अपना असर्टिव सेंटेंस में ही है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं ये बोर्ड पे लिखता हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें। हो सकता है कि आपने अब तक लिखा नहीं होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और वो आंसर आप लिख रहे हो नोटबुक में। लेकिन आपको क्या करना है, ये चीज़ें भी आपको नोटबुक में एक जगह पे पैसिव वॉइस हेडिंग लगा के सब नोट कर लेना है। जो भी चीज़ें मान लो मैंने इधर ये बताया वो भी आप नोट कर लो, मैंने कोई सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखा वो भी नोट करो, ओके। और जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पीडीएफ आपके ग्रुप में मिलता है वो आप सॉल्व नोटबुक में करें। नोटबुक में जब जहाँ आप सॉल्व करें वहाँ पे अपना नाम, अपना क्लास और अपना सेक्शन जरूर मेंशन करें और उसको नोटबुक में लिख के ही मुझे व्हाट्सएप पे पिक सेंड करें, ऐसे टाइप करके नहीं करें। और फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मिल रहे हैं या आगे मिलेंगे, उनके आंसर भी आपको नेक्स्ट डे या अगले वीडियो के आपके पास पहुंचने से पहले पहले उनके आंसर्स आपको पीडीएफ फाइल में ही मिलेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, सेम टॉपिक, सेम टीचर, सेम चैनल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।